क्यों सारा काम पहले भी अच्छे हो, इससे पहले कोलम 30 आदमी टोटल मर ली भाई जी आज तक थर्मल के अंदर। और ये तो अकेला भाई था, इतना भारी वजन के नीचे तो 5 आदमी टीम थी ना, 505 भी आ सकती थी, उन कोई निकालने वाला भी। ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेदड़ थर्मल पे फिलहाल आप पहुँचे हाँ, यानी पहले भी धरना चलिया था और सुबह सुबह न्यूज़ मिली है कि फिर धरना लगा दिया गया है, पूरा कारण के है थोड़ा मैं आपने बता दूँ। यानी एक भाई जो राखीगढ़ी गाँव तो है जिला हिसार में, तो वो थर्मल में काम कराया करता, यानी कच्चा रेट पर जिसने आप बोला हाँ, तो उनकी मौत हो गई। किस कारण हुई है, इनके जो कच्चे कर्मचारी, इनके जो प्रधान है अमरजीत सारण जी, जो गांव खेदड़ते हैं, उन तब बात करांगे, वो पूरी जानकारी आपने देंगे। तो के कुछ पूरा मामला था वो जी, अपने जो कर्मचारी था भाई कुलदीप है, कौन सा गांव है ये, अपने राखी शाहपुर गांव से था और अपने लोको ऑपरेटर था, ठीक है, लोको मेंटेनेंस था, ऑपरेटर नहीं लोको मेंटेनेंस था, और अपना जो साइड TP14 पे काम कर रहा था, और उसके ऊपर जो बेल्ट होती है ना जो कोयला लेके आती है, जो उसकी उसके जो पुली थी उसकी, जिसके ऊपर बेल्ट चल रहा है, ठीक है, उस पुली में ग्रीसिंग का काम करने लग रहा था वो, तो उसका ग्रीसिंग का काम करते वक्त उसका वो पुली एक साइड से टूट के गिर गई, और उसके नीचे आने से हाँ उस पर लग रहा था अचानक टूट के उसके ऊपर गिर गई, उसके ऊपर तो गिरी पुली आइडिया 7 या 8 फुट ऊपर से उसके गिर गई। वजन था उसमें, वजन था उसमें कई टन, वजन था उसमें कई टन हाँ। तो किस पार्ट पर गिरी शरीर का, उसके छाती और चेहरे के ऊपर से गुजरी वो, जैसे छाती के ऊपर लास्ट में आ गया टग्गी वो, ठीक है तो नीचे दब गया वो, नीचे दब गया वो, साथियों ने बेल्ट को काट के निकाला उसको साथियों ने, उसके बाद नीचे लिफ्ट के द्वारा नीचे लेके आए हैं और फिर एम्बुलेंस के द्वारा वो अपना जिंदल हॉस्पिटल तरफ लेके गए हैं। तो मतलब कोड मृत घोषित करे या ऑन स्पॉट हो लिए, वैसे तो साथी बता रहे थे कि लग नहीं रहा था हमें भाई जिंदा है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मृत घोषित कर दिए। अच्छा अच्छा हाँ। तो उनका पूरा नाम क्या था जो रखे थे जिनकी मौत हुई है, कुलदीप जी, कुलदीप हाँ जी। तो मतलब परिवार आया है उनका, बातचीत हुई है किसी तक, प्रशासनिक अधिकारी तो कोई आया हो? हाँ प्रशासनिक का है, चीफ थर्मल है और SDM है, उनके साथ बातचीत हुई थी। अच्छा के कुछ मतलब उन्होंने बताया, उनने बताया था तो उसमें हमने मांग रखी थी उनके सामने भाई 50 लाख है मुआवजा, ठीक है, और एक रोजगार परिवार को और बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा। कितने बच्चे हैं उस पर? 2 बच्चे हैं, 1 7 साल की लड़की है और 5 साल का लड़का है, ठीक है। हाँ। तो फिर इनने किस मतलब सहमति कर दी? सहमति नौकरी पर इन्होंने मरने के लिए यस कर दिया था, तो सहमति अपनी थी, मुआवजा पाया गया टगी, तो वो मुआवजा दे, कंपनसेशन दे रहे हैं 12 लाख रुपए। अच्छा 12 लाख के लिए बोल रहे हैं, बाकी जो ESI है, LWF है, जो है उसका टोटल मिला के वो 20 लाख हुआ है, ठीक है। हाँ तो यानी आपकी मांग 50 की है, थर्मल 20 दे रहे हैं? हाँ थर्मल 20 दे रहे हैं, और इसके बारे में पूरा परिवार के 2 बंदे बुलाए हैं, उनसे मिल के बैठ के बात करांगे और आगे कार्रवाई उस हिसाब से परिवार से ही होगी। सर पोस्टमार्टम होने लग रहा है? पोस्टमार्टम हो लिया। डेड बॉडी कब तक मिलेगी बताया? डेड बॉडी तो मिल भी रही, लेकिन डीप फ्रीजर के ना मिलने के कारण अब तक उगरी। तो मतलब आपकी तरफ तक है भाई, जब तक आपकी जो 50 लाख की मांग नहीं मानी जाओ, डेड बॉडी उड़े रखोगे? हाँ डेड बॉडी उड़े रखे, अंतिम संस्कार नहीं कराया जाओगे? हाँ परिवार से बात हो ये, जब तक अंतिम संस्कार नहीं कराया। चलो भाई ये थे अमरजीत सारण जी, जो यानी इनके प्रधान थे, इन आपना बात करी है और धरना चल रहा है, और आप बात करांगे जो मास्टर राजकुमार जी हैं, जो राखी 12 खाप के प्रधान हैं और राखी गड्डी गांव का यू लड़का था संदीप, उन तक आप पूरी जानकारी ले आवेंगे भाई, परिवार तक के कुछ बातचीत हुई है, मतलब कड़े तक परिवार जिस तरीके का था थर्मल की, अगर आप सारी जानकारी की बात करें, कंपनसेशन मिला है थर्मल की तरफ तक, जो अपडेट आई है भाई चीफ और SDM तक बात हुई है कि 12 लाख और सारा जोड़ मिला है, यानी 20 लाख के करीब जो बताने लग रहे, बाकी प्रधान जी हैं जो 12 खाप के प्रधान भी हैं और राखी गढ़ी उनका खुद का गांव भी है, राखी 12 खाप के प्रधान है जो वर्तमान में मास्टर राजकुमार जी, और इन्हें का गांव का वो लड़का था जिसकी मौत हुई है, पूरी जानकारी परिवार की के कुछ स्थिति वो इन पले होंगे। तो प्रधान जी के लड़का का नाम क्या था? कुलदीप। कुलदीप उम्र कितनी उसकी? ये 37-38 साल। कितने साल तक काम कर रहा था सर? ये 6-7 साल हो गए थे। कच्चा था? कच्चा था। अच्छा परिवार में कौन कौन है इसके? संदीप परिवार में 2 भाई हैं, दोनों यही काम करते हैं, ठीक है। इससे छोटा है कुलदीप, शादी हो रही है? कुलदीप की शादी हो रही है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो मतलब के कुछ मांग है कमेटी की जो धरना फिलहाल चल रहे हैं? देखिए मांग कमेटी की ये है कि 50 लाख से कम मुआवजा हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है,
और एक सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी? हाँ ठीक है। बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी माँ की पेंशन हो और बच्चों के शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया जाए, ये बात आई है। परंतु अभी तक प्रशासन इसके ऊपर गौर नहीं फरमा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी के तहत हम 20 लाख रुपए अनुदान देंगे। किसके साथ बातचीत हुई है? अभी मैनेजमेंट के लोग आए थे, पहले अंदर कमेटी को बुलाया गया था, परंतु कमेटी के अंदर अभी तक कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। अब परिवार के सदस्य से कमेटी बातचीत करके फिर प्रशासन से दोबारा बात करेंगे। तो पोस्टमार्टम अभी? पोस्टमार्टम में अभी थोड़ी देर है, 10-20 मिनट में शायद हो जाएगा और वो सीधे यहीं आएंगे। तो मतलब 20 तरीके की कोई बातचीत हुई है? जब तक 50 लाख की जो मांग है वो फिलहाल उस पर बात अट रही है, अगर यह मांग पूरी नहीं होती तो मतलब डेड बॉडी उधर रखी जाएगी? डेड बॉडी सीधी यहीं पहुँचेगी गेट पर, और आने के बाद कमेटी परिवार के साथ बातचीत करके आगे। कुलदीप का परिवार? हाँ, मैं भी उसका चाचा हूँ। अच्छा, परिवार में खुद ही हम, मेरे दूसरे दादा का पोता है वो, और उसके साथ में उसका भाई और उसके चाचा, खुद जो चाचा वो हैं, वो आएंगे, उनके साथ बातचीत होंगी। परिवार तो बातचीत बात। हाँ चलो, गुरबत में बच्चन अब अपना सिर संभाला था। इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो पहले कैंसर के पीड़ित थे, काफ़ी बीमारी में गरीबी झेली है। अभी दोनों भाई छोटी मोटी खेती भी करते हैं और यहाँ दोनों मजदूरी करके अपना पेट। जो प्रधान जी हादसा है, इसमें कोई लापरवाही शामिल है या मतलब ऑटोमेटिक अचानक बोले अगर जिसने आप अचानक कोई? ये बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही का की देन है। पूरे का पूरा प्लांट मेंटेनेंस मांग रहे हैं और इस लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। आप इसके अंदर जाकर देखें तो इसकी दीवारें भी खोखर हो रहे हैं। यहाँ इसका जो मटेरियल, इसका निर्माण के समय इस पर लापरवाही चल रही है और ये प्लांट कितने हादसों से गुजर चुका है। इससे पहले भी 4-5 खेदर एक साथ सात हुए थे, खेदर के ही 3 थे उसमें, एक किरमारा का था। इस प्लांट पे तो आज लोग उंगली उठाने लगे हैं, ये तो मानस खाना हो गया। तो जिस तरीके से मतलब आपकी मैनेजमेंट के अंदर चीफ जो थर्मल चीफ हैं SDM उनतापन बात हुई, तो उसमें कुछ इस तरीके की बात हुई है कि भाई लापरवाही की वजह थी मतलब भाई? नहीं, ये लोग नहीं कहेंगे इस बात को, नहीं मतलब मान नहीं रहे इस चीज़ में, ये नहीं मान रहे हैं। परंतु यहाँ जो जितने भी लेबर कर्मचारी आप बात करके देखोगे यहाँ बैठे हैं, 200-250 आदमी जो लेबर के हैं इसी प्लांट में जो काम करते हैं वो बैठे हैं, उनसे आप बात करके देखिए। मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट के आदमी से बात की है, कहते हैं कि यहाँ तो इस प्लांट के अंदर मजदूर की बहुत बुरी हालत है। 8 घंटे आदमी को काम करने का लेबर कोर्ट ने वो दिया है, यहाँ 10-10, 12-12 घंटे काम दिया जा रहा है। उसके ऊपर से ठेकेदारी पड़ता है, ठेकेदार इनका पता है आपको क्या हालात करते हैं, इनकी तनख्वाह भी ATM अपने पास रखते हैं। अच्छा, कमीशन काट के पैसे देते हैं, ये सबसे बड़ी वो है। हर यहाँ वर्कर से मैं सुबह से बात कर रहा हूँ तो कहते हैं जी अपने पेट पालन के लिए दौड़ धूप करा हाँ, मजबूरी में करा हाँ, यहाँ काम करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो वह मास्टर राजकुमार जी राखी थे जो भारत खाफ के प्रधान भी हैं वर्तमान में, और इन्हें का गांव का यानी नत्तम इनका पोता लागे था जो कुलदीप है जिनकी जान गई है। और प्रधान जी भी बता रहे, आप में तो कोई कर्मचारी है क्यों रहे? आप हो, आपका नाम क्या है? मेरा देवेंद्र कुमार है। गांव कौन सा? खेदड़ है। खेदड़ है, हमारी कंपनी में था ये। आपकी कंपनी में? कुलदीप राखी। मतलब सच्चाई की है, कोई लापरवाही इनकी खुद की थी या थर्मल की लापरवाही थी या वो चीज़ कमजोर थी, किस तरीके का? नहीं, लापरवाही तो प्रशासन की रहती है हमेशा। अच्छा, संजय बंजे पुराने हैं, जुगाड़ करके चलवा हुए हैं। अच्छा, एक तो फ्रेश माल हो और एक टीम होती है, जैसे 10 आदमी 15 आदमी होगी, 5 आदमी को काम करनी, इतना भारी अगर आप काम करोगे तो टीम भी होती है। आदमी जैसे 600 आदमी काम करते हैं स्टार रैंडम कंपनी में, करते थे पहले CHP कंपनी में, अब वहाँ 270 आदमी रखे हुए हैं ठेकेदार ने, आधे आदमी तो वैसे घट गए, तो आधे आदमी घट गए तो फिर वजन कहाँ पड़ेगा, एक आदमी पे 3 आदमी बुनाएंगे, तो ये मैन लोड मतलब माइंड में कर रखा है, तेरे को आधे घंटे में करके देना है। ये जो बेल्ट टूटी है उनको ऊपर पुड़ी गिरी है, उसमें मतलब किसका कसूर है? उसमें तो प्रशासन का है ना, जो टाइम से अगर चेंज करी जाती है वो सही उस पर होता है। अभी जुगाड़ करते हैं, बेल्टिंग ला के टाँके टोके ला के, देसी जुगाड़ भी होते हुए अंदर, अब फ्रेश माल ले गया, फ्रेश माल ले आओ तो फिर अफसरों को क्या मिलेगा, घुसखोरी कमीशन खोरी ये तो चलता है। इसमें तो प्रशासन की लापरवाही है। अब देखो, एक आदमी दिन रात यहाँ काम करता है, उस पर 12-12 घंटे भी काम करते हैं, कोई और है, तनख्वाह क्या मिलती है? 9-8-9 हज़ार रुपये। गलती तो प्रशासन तो सुनो में आया है कि कर्मचारियों का एक प्रकार तो शोषण हो रहा है कि ठेकेदार ATM भी अपने पास रखे, पैसे काट कर तब जाकर सैलरी दी जाए।
सर अभी यहाँ दो कंपनियाँ ऐसी है, दो तीन, बाकी तो जितनी कंपनियाँ हैं छोटी छोटी, सारे जैसे ठेकेदार तनख्वाह लेता है उनकी 12-12, 15-15 हज़ार अंदर से, उनको 5-6 हज़ार रुपये देता है, ATM खुद रखता है वो, लेकिन दो तीन कंपनियाँ क्यों, मतलब ATM क्यों हो, फिर तनख्वाह पूरी वापसी नहीं देते ना, वो तनख्वाह कटवा लेते हैं उनको, फिर 5 हज़ार जैसे मेरे अंदर काम करते हैं पार्कों में, छोटे छोटे पार्कों में, अब उनकी तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं 12-13 हज़ार रुपये बंदे के, 15 हज़ार भी उसको देते हैं, 6 हज़ार रुपये कुछ अफसर खा लेते हैं, कुछ ठेकेदार खा लेते हैं। ATM देने वाला कभी कसूर होगा फिर? नहीं, उसकी मजबूरी, उसको फिर बाहर निकाल देंगे, ATM ना देगा तो काफ़ी पेट का सवाल है, तो मतलब केवल पेट भरना है, बस एक पेट खड़ा भरना है, धूल माटी का काम है, खोल लेगा सारा, आपने बताया है क्यों सारा काम, अच्छे हो इससे पहले 30 आदमी टोटल मर ली भाई जी आज तक थर्मल के अंदर, और ये तो अकेला भाई था, इतना भारी वजन के नीचे तो 5 आदमी टीम थी ना, 500-500 भी आ सकती थी, उनको निकालने वाला भी था मौके पे, वहाँ स्पॉट डेड, मतलब गर्म खून था, ले तो गए इसको उठा के यहाँ से, दब गया, इतना वजन था उसका, 1 क्विंटल वजन होता उसमें, अब ले गए अंतराम बरवाड़ा जनता हॉस्पिटल में, उसने रेफर कर दिया सर, वो तो मतलब रेफर तो क्या करना, उसने पता था यहाँ कागज़ कार्रवाई होगी, कर्मचारी है ये कच्चा, या धरने पर तुम चलेंगे, समझदार डॉक्टर था, उन्हें आगे रेफर कर दिया, आगे पता था सिविल में जाएंगे वहाँ नहीं डॉक्टर वगैरह। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे भाई कर्मचारी भी हैं, प्रधान जी ज़्यादा बात करी है, डेड बॉडी मिलेगी कि किस तरीके से, मतलब इनकी सहमति होगी जो प्रशासन की तरफ से यानी थर्मल की तरफ से 20-1 लाख तक की वह चीज़ बताई गई कंपनसेशन की, लेकिन इनकी जो मांग है वो 50 लाख की, और तब तक यह मांग पूरी नहीं होगी जब तक धरना जारी रहेगा और डेड बॉडी जो है धरना पर रखी जाओगी, पे फिलहाल आई नहीं, आगे की जो अपडेट होगी वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर लेकर आऊँगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करनी है, और आपका मानना कि आपके सोच विचार के हैं वो एक हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।